हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के पोएट्री सेक्शन के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है संग ऑफ माई सेल्फ। इसके राइटर वाल्ट विटविन है। तो गाइस, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाएगी। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यहाँ सॉन्ग का अर्थ होता है गीत और ऑफ माने का और माई सेल्फ यानी खुद या स्वयं, तो इसका अर्थ हुआ स्वयं का गीत, खुद का गीत। तो इसके लेखक वाल्ट विटमैन जी है। जो वाल्ट विटमैन है वो पीपुल्स पोएट है, यानी वे लोगों के कवि है। वे लोगों के दिल में बहुत ही छाए रहते हैं, सभी के दिलों में बसे रहते हैं। वो इतने अच्छे कार्य करते हैं कि लोग उन्हें बहुत ही अच्छे मानते हैं, लोकप्रिय मानते हैं, वो पॉपुलर है। और वे जो है ना, वो वाल्ट विटमैन जी वो प्रकृतिक के कवि है। वो प्रकृति के सभी चीज़ों से बहुत ही लगाव रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वे नेचर लव है। वे प्रकृति के चीज़ों से बहुत ही प्रेम करते हैं। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यू शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ट्वीस, वंस, थ्रीस, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्वीस, यानी दो बार यू शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़िएगा ना वो कहानी, तो उसमें देखिएगा यू शब्द का प्रयोग लेखक ने दो बार किया है, ट्वीस, यानी दो बार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ट्वीस, दो बार। नेक्स्ट है, द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम्स ऑफ थर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, सिस्टम ऑफ थर्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की रचना किसने किया है। कंपोज यानी रचना करना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंपोज किसने किया है। तो इसका तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, विटमैन वाज डैशपोट, यानी वाल्ट विटमैन वाज डैशपोट, कैसे पोएट थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन अमेरिकन पोएट। वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, वे एक अमेरिकन पोएट थे, अमेरिकन पोएट। नेक्स्ट, विटमैन वाज बोर्न इन, यानी वाल्ट विटमैन का बॉर्न यानी जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1819। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1819 यानी 1819 ईस्वी में। नेक्स्ट, विटमैन का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1892 यानी 1892 ईस्वी में विटमैन का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक क्या है एक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैरिक, या एक गीत है। लैरिक यानी गीत, ए लैरिक या एक प्रकार का गीत है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए लैरिक। नेक्स्ट, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिटलेड हैज। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिटलेड हैज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ यानी द ओपनिंग सेक्शन किस चीज़ से शुरू होता है, किस लाइन से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कहानी है वह कहाँ से शुरू होता है, तो पहले ही शुरू होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहीं से वह शुरू होता है, स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्टार्टित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर इन स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, हु इज द स्पीकर इन स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वाल्ट विटमैन है स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के स्पीकर, ऑथर, पोएट, राइटर, ये सभी बोलेगा तो वाल्ट विटमैन यानी कवि के नाम लेना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लव ऑफ, यानी स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कहानी है उसके अनुसार जो स्पीकर है वे महान प्रेमी है किसके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैं पहले ही बताई थी कि वे प्रकृति के प्रेमी थे यानी नेचर, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा नेचर, ऑप्शन नंबर डी नेचर। नेक्स्ट, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, वाल्ट विटमैन ने कौन सा पोएम कविता लिखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे जीवन का गीत, मेरा खुद का गीत, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, वाल्ट विटमैन कितने साल के थे जब वो कहानी लिख रहे थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 35, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 35 ईयर्स के थे 35। नेक्स्ट, होपिंग इज सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फॉर्म, होपिंग टू सीज Not till death is a line form. A line कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फायर हाइमैन से, फायर हाइमैन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, फायर हाइमैन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, I celebrate myself and sing myself is written by, I celebrate myself and sing myself is written by, ये किसने लिखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंग्स, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, यानी वह खुद का स्वयं का सिंग्स यानी गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिंग्स। नेक्स्ट, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट, I harbor for good or bad is written by, I harbor for good or bad is written by, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन ने लिखा है I harbor for good or bad, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट विटमैन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना आपका प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।